हाँ जी, ये तो एक बहुत खुशी की बात है कि अभी जब मनीषा का सिलेक्शन हुआ तो बड़ी खुशी हुई, और एक कोच के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। सफ़र की बात करूँ तो खिलाड़ी के जीवन में बड़े अप डाउन्स होते हैं। जब उसने शुरू किया, प्रारंभिक दौर में बड़ी मेहनत करी, और उसकी मेन बात है कि वो डिसिप्लिन में बड़ी कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ को करती है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो खेल हो। जब उसने 5वीं क्लास में हॉकी पकड़ी, तो वंस उसने हॉकी पकड़ी और खेलना शुरू किया तो फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ जी, अब सब सिलेक्शन हो गया है टीम में, कितनी खुशी की बात है। खुशी तो कहूँ तो आप देख सकते हैं, अभी जब डिक्लेयर हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी थी कि सब बच्चों ने मुझे भी चारों तरफ से घेर लिया, और स्कूल में माहौल ऐसा हो गया कि चारों तरफ मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई, तो खुशी तो बहुत ही ज़्यादा थी। और दूसरी बात थी कि मनीषा के पिताजी तभी रिटायर होके आए थे वहाँ पे, तो उस दिन जब मनीषा के पिताजी रिटायर होके आए थे तो हम गेट पे खड़े होके मैंने जब अनाउंस किया, तो वो एक ऐसा क्षण था मेरे लिए भी कि मैंने उनके कान में बताया कि बच्ची को सिलेक्शन हुआ है, आपको बधाई हो। और फिर सारे समाज के सामने जब बोला, सारे गांव के सामने जब बोला, तो वो एक बहुत ही एक अलग अनुभूति थी मेरे लिए। हाँ जी, अभी कहाँ पर है कि अभी क्या कर रही है अभी? अभी उनका नेशनल कैंप लगा हुआ है बेंगलोर में, जहाँ पे कोच साहब मिस्टर हरेंद्र जी उनकी कोचिंग ले रहे हैं, और जो बहुत ही अभी इंटेंस कोचिंग उनका जो प्रोग्राम है चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भी बड़े काफी जागरूक नजर आते हैं खेलों को लेकर। अब ओलंपिक भी है, तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? मैं बिल्कुल कहूँगा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये नई खेल नीति लाई गई है, इससे बहुत ही फ़र्क पड़ा है खेलों में। अभी जो खेलो इंडिया को कह लो, या उनके नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, अभी साई में भी मैं देखता हूँ कि साई में भी बड़े चेंजेस आए हैं। हाँ, कई लोग हैं उसमें ऐसे जुड़े हैं, जैसे अगर मैं एक नाम, मतलब बहुत सारे नाम हैं जो मैं ले सकता हूँ, लेकिन उनकी जो एक टीम वर्क जो काम कर रहे हैं और जो एक प्लेटफॉर्म खिलाड़ी को मिल रहा है आज की डेट में, वो यूनिक है। अभी प्ले पहले अभी प्लेयर को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, जो आज उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है साई। तो लगता है कि मुझे बहुत अच्छा भविष्य नज़र आ रहा है भाई साहब, मैं आपको बताऊं तो कि अभी हम शायद बहुत अच्छा फिनिश करने वाले हैं आने वाले समय में। ओलंपिक भी नज़दीक है, ओलंपिक में भी लगता है आपको कि मेडल जीत के लाएगी? अभी हमारी जो प्रिपरेशन है हॉकी इंडिया की, मुझे लगता है वो 2028 को लेके है, लड़कियों को लेके। लड़के तो हमारे 2024 जो 24 में जा रहे हैं, बट लड़कियों को लेके हमारी जो प्रिपरेशन 2028 के लिए नज़र आ रही है, मुझे उसमें बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। हाँ जी, देखो जी, जब से मेरे को सुनने में आया फ़ोन का यार लड़की ने, तो हम पूरा परिवार खुशी का माहौल जैसा हो गया। इस खुशी को किस तरह आपस में आप साझा कर रहे हैं, किस तरह शुभकामनाएं मिल रही है आपको बच्ची के अपने संग? अब सच तो ऐसा है कि परिवार में हम आपस में यही बातचीत करते हैं कि भाई देखो इसने कितना मेहनत किया जो कि आज यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद ही तो वहाँ पहुँचा लड़की। मेहनत करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटता था। पढ़ाई के टाइम में जब ये पेपर एग्ज़ाम वगैरह होता था तो वो खेल के भी आता था, ट्यूशन भी जाता था, और उसके बाद सुबह 3 बजे उठ के वो पढ़ाई करता था, 3 बजे उठ के पढ़ाई करता था पेपर जाने के लिए। खेल के प्रति किस तरह उसका, हॉकी के प्रति किस तरह जागरूक हुआ उसको कि हॉकी में उसको जाना है खेलने? अब उसका इच्छा था, उसकी इच्छा था कि मैं इस गेम को आगे लेकर चलूँगा, तो वो ही किया उसने। अब टीम में सिलेक्शन हो गया है उसका, जो मेन टीम है नेशनल टीम है हॉकी की, उसमें सिलेक्शन हो गया है। अब किस तरह की उम्मीद आप लगा सोच रहे हैं, किस तरह मेडल जीत के आए वो देश के लिए नाम रोशन? हाँ, अभी आगे जाके अच्छा ही खेलेगा उम्मीद है पूरी, तो देश का नाम रोशन करेगा। यही है, मेरे को भगवान से यही दुआ है कि अच्छा खेले हो, देश के लिए मेडल देश के लाएगा। लिए मेडल लाएगा। जी अच्छा, एक माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्ची पढ़ाई में आगे निकले, जॉब करे, लेकिन वो खेल की तरफ गई, क्या रोका नहीं आपने उसको इधर से या फिर कभी कुछ? नहीं, देखो उसमें अब बच्चे का इंटरेस्ट था कि मैंने खेलना है, तो हमने भी सोचा जब जिस तरफ बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसी तरफ चला जाए तो ठीक है, अच्छा है।
अभी हम बोले कि नहीं ये नहीं करना तो फिर उसमें उसका दिल टूट जाता, ना वो इधर का लायक ना उधर का लायक। इसलिए हमने सोचा चलो जिस तरफ जा रहा है बच्चा उसी तरफ उसको जाने दो, हमने भी खुला उसको छूट दे दिया कि खेलो। छोटे से गांव से निकलकर देश दे बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंची है बच्ची, किस तरह शुभकामनाएं, किस तरह बधाई मिले? अभी शुभकामनाएं तो मेरी तरफ से पूरा देशवासियों के लिए है कि भाई मेरी लड़की यहां तक पहुंच गया, और सभी का आशीर्वाद है उसको कि आगे भी अच्छा काम करेगी।